विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करता अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मेरा नाम सफदर है। मैं मेरे मिसिस के साथ घर में खाना खा रहा था, तो मेरा साला इम्तियाज और उनका एक हस्बैंड नदीम दोनों भी घर में चाकू लेके घुस के मेरे ऊपर अटैक करे, मेरी बीवी के ऊपर अटैक करे, बीच में बचाने से आयस वालों को भी अटैक करे। मैं बार बार बजिया, मेरे को चाकू से मारे, नदीम मारा मेरे को और इम्तियाज भी मारा। ये देखो आप निशाना पूरा ऑलरेडी है ना। मेरी वाइफ जो है सो उसका एक्स हस्बैंड है नजीम, कंटिन्यू ने टॉर्चर करा, 4 केस उसके ऑलरेडी बुक है यहाँ पे। आदत खराब है उसके, बोल के छोड़ डाला, सट्टा खेलता, जुआ खेलता, शराब पीता, बोल के छोड़ दिया। मगर अभी भी उन्हें बीवी को बराबर हमारे टॉर्चर कर रहा, बराबर सता रहा। और आज लोगों से बोल भी जाया तुम्हारा मर्डर कर दे तो, बोल के बोल भी जाया। तो मैं वेट कर रहा था, आया चाकू ले लेके साले के साथ आके जो ऐसा ये हरकत कर रहा। नहीं, मेरे ये वजह क्या है लड़ाई की? दुश्मनी। किसकी दुश्मनी? ये छोड़ डाले बोल के मेरे मिसिस, उसको छोड़ डाले बोल के दुश्मनी की वजह है वो। आपको मारने कौन आया? आपके साले आए? साले भी आया, उन्होंने भी आया, दोनों मिलके मारे। किससे मारे? चाकू से मारे, बच गया मैं चाकू से मारे तो, ढकल के मैं सेफ हो गया। क्या हुआ? ये यूनिक केयर हॉस्पिटल के पास हुआ, कंप्लेंट दिया। हाँ बिल्कुल, कंप्लेंट दिया। फिर उस्मानिया को जा बोले, उस्मानिया से भी एमएलसी ले लेके आ रहा हूँ हबीब नगर में, ऑलरेडी कंप्लेंट दिया। कौन से पीएस? हबीब नगर पीएस। वजह लड़ाई की? वजह गैर जरूरी के, मैं शादी कर लिया उन छोड़ डाले बीवी को, मैं नहीं रहना करते और उन्हें भी नहीं रहना। उन कहीं भी दिखे तो फोन करके उनको गाली देना, कहीं क्यों फिर रही तू, कहीं क्यों वो कर रही, ये कर रही बोल के, जबरदस्ती का जुल्म। मेहजबीन सुल्ताना, वाइफ ऑफ सफदर समीउद्दीन। मैं घर में खाना खा रही थी, मेरे देवर ईद मिलने आए थे, खाना खा रही थी मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड नदीम भी। इम्तियाज नदीम मेरे को फ़ोन करे, इम्तियाज बाहर ही ठहरा हुआ है, देखो वो ये बोल के बोले मेरे को, अलर्ट रहो तुम बोल के बोले। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है भैया, उन्होंने नदीम ऐसा बोले, उनसे बात कर रही थी मैं, लगा तीनों दोनों मिल के घर में आए तीनों भी। नदीम जो है मेरे एक्स हस्बैंड है, इम्तियाज मेरे भाई है छोटे, और उनकी बीवी है इम्तियाज की, क्षमा, तीनों आके घर में मेरे को, मेरे हस्बैंड को, तीनों को 10 रुपये से उठा के मेरे देवर के ऊपर फेंके, मेरे हस्बैंड को मार के चाकू गर्दन पे रख दिए, रख के 1,00,000 रुपये वहाँ पे चूल्हे में रखी थी मैं, चूल्हे में से 1,00,000 रुपये लेके चले गए फरार होके। अब पुलिस वालों को मैं बाहर निकल के पूरा बुलाई, वहाँ CCTV कैमरा भी है सर, पूरा वहाँ पे बाहर निकल के करके वो करी, तो उतने में पुलिस की जीप आई, आके हम लोग को इधर PS को ले लेके आए। लड़ाई होने की वजह कल हमारे इम्तियाज खान जो है ना, उनकी सेकेंड वाइफ को जो है मेरे को गालियाँ दियो बोल के फ़ोन करे, तो मैं बोली मैं गालियाँ कहीं को दियो, तो उनको चल के मारो बोले, तो उनकी वाइफ क्या करे, कंप्लेन कर दी है गोशा महल PS में, बेगम बाजार PS में कंप्लेन करे, वहाँ पे भी है कंप्लेन उनकी। मैं बोली जाने दो, घर का मसला है, अपन वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, घर पे बुला के उन लोगों को रहने दो, वो बोल के मैं घर पे ला ली। आज उन्होंने इधर हमारे हस्बैंड को, एक्स हस्बैंड को लेके आके यहाँ तमाशा करे उनकी वाइफ के साथ, लाली तलाक दे दी 2 साल से। उन्होंने भी ऐसी इससे लास्ट ईयर जो है यहाँ शिफा मेडिकल पे मेरे को रोड पे पचकड़ मारे थे, तो मैं कंप्लेन करी थी। अब फिर ऐसी घर रोडों पे जा रही हूँ करी, तो मेरे को फोन आ करके गालियाँ देना, फेस टू फेस मेरे को ब्लैकमेल करना, ये कर देता हूँ मैं, वो कर देता हूँ। अब उन्होंने तो इम्तियाज खान तो चाकू ले लेके करके मेरे भाई मार देता हूँ मैं, उसको भी मार देता हूँ, तेरे को भी मार देता हूँ, वो ये बोल के बोल रहे मेरे को यहाँ पे सेवक नगर सैयद असद।